महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शक्ति समिति की महिलाओं को पुलिस ऊर्जा डेस्क ने किया सम्मानित। पुलिस के साथ समन्वय बनाकर अपराध को रोकने में के लिए काम कर रही शक्ति समिति ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान 2 दर्जन से अधिक महिलाओं को सम्मानित किया गया। जिन महिलाओं को सम्मानित किया गया उन्होंने महिला हिंसा रोकने के लिए बनाए गए पुलिस ऊर्जा डेस्क का न केवल संकट की घड़ी में सहयोग लिया बल्कि ऊर्जा डेस्क की सहयोगी बनकर क्षेत्र में महिला हिंसा उन्मूलन की ठान ली। पुलिस की ऊर्जा डेस्क प्रभारी रूबी तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि ऊर्जा डेस्क ने क्षेत्र के अपराधों को रोकने के लिए महिला की मदद ली। तब उन्होंने आशा से अधिक सहयोग पुलिस का किया, परिणाम स्वरूप हमने महिला पुलिस सहयोग संगठन अपने थाना इलाके में बनाया जिसे हमने शक्ति समिति नाम दिया। आज ये महिलाएं सामाजिक बंदिशों से ऊपर उठकर गांव गांव में हो रहे अपराध और महिला हिंसा को रोकने में पुलिस का सहयोग कर रही है। अब इस शक्ति समिति एवं पुलिस ऊर्जा डेस्क के द्वारा किए काम का सकारात्मक परिणाम आने लगे, इसलिए पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर आज महिला दिवस के अवसर पर शक्ति समिति की सभी 2 दर्जन से अधिक महिलाओं को पुत्तूराम मेमोरियल स्कूल परिसर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय आमिल दिवस पर महिलाओं और किशोरियों को ऊर्जा डेस्क द्वारा अनेक जानकारी इंस्पेक्टर रूबी तोमर द्वारा दी गई। वही सामाजिक संगठन द्वारा किशोरियों के लिए अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिनमें प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले किशोरियों को पुरस्कृत किया गया। संवाददाता पुरसा धर्मवीर पचौरी। उन्होंने भी बोला तो सही बात ही हकीकत बात है कि एक के मतलब एक लाठी से मजबूत 4 लाठियां होती हैं तो अच्छा काम करती हैं। तो यहाँ पे हम दोनों जुड़ के मिलके और हमने जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो पंडित पुतुरा मेमोरियल स्कूल में कार्यक्रम किया है तो उसमें हमारा उद्देश्य यही था कि हम गांव की महिलाओं को ला सके यहाँ तक, और जहाँ तक है तहाँ तक हम लोग सफल भी हुए और गांव की महिलाओं को यहाँ तक लाए और उनका सम्मान भी किया गया। कुछ महिलाओं को साड़ी वितरण की जिसमें कुछ बच्चियों को मैंने मेहंदी प्रतियोगिता भी लगवाई थी तो उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज दिए गए। ऐसे ही हमारा उद्देश्य है कि हम उनको घर से किस तरीके से निकाल सकते हैं तो उन लोगों को हमें किस तरीके से हम उन लोगों को समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि आगे हम और भी कार्यक्रम करें। जब तक हम उन्हें नहीं समझाएंगे और तब तक वो महिला नहीं निकलेंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी पहले घर से निकली थी तो मुझे पता है कि महिलाएं आगे निकलने से बहुत ही ज्यादा झिझकती हैं। इसलिए हमने और हमारे जो थाना प्रभारी है जो ऊर्जा डेस्क की प्रभारी है रूबी तोमर जी, उन्होंने भी बोला तो सही बात ही हकीकत बात है कि एक के मतलब एक लाठी से मजबूत 4 लाठियां होती हैं तो अच्छा काम करती है। तो यहाँ पे हम दोनों जुड़ के मिलके और हमने जो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो पंडित पुतुला मेमोरियल स्कूल में कार्यक्रम किया है तो उसमें हमारा उद्देश्य यही था कि हम गांव की महिलाओं को ला सके यहाँ तक, और जहाँ तक है तहाँ तक हम लोग सफल भी हुए और गांव की महिलाओं को यहाँ तक लाए और उनका सम्मान भी किया गया। कुछ महिलाओं को साड़ी वितरण की जिसमें कुछ बच्चियों को मैंने मेहंदी प्रतियोगिता भी लगवाई थी तो उनमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज दिए गए। ऐसे ही हमारा उद्देश्य है कि हम उनको घर से किस तरीके से निकाल सकती है तो उन लोगों को हमें किस तरीके से हम उन लोगों को समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि आगे हम और भी कार्यक्रम करें। जब तक हम उन्हें नहीं समझाएंगे और तब तक वो महिला नहीं निकलेंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी पहले घर से निकली थी तो मुझे डर लगता था, बट आज मैं अपने समाज में अपने क्षेत्र में काम कर रही हूँ तो मुझे आज किसी से भी डर नहीं है। क्योंकि क्या होता है कि वो कहते हैं ना कि जुल्म करने से ज्यादा जुल्म सहने वाला गुनहगार होता है, तो हम क्यों गुनाह सहें। इसीलिए आज महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था तो मैंने सारी महिलाओं को यहाँ पे बुलाया और सारी महिलाएं आई। मुझे खुशी इस बात की है कि कुछ महिलाओं ने अपने अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन दिए कि जिससे हम लोगों को लगा कि हाँ ये महिलाएं आगे बढ़ना चाहती है, और उन लोगों का ऊर्जा डेस्क के बारे में जानकारी मिली और भी सरकारी योजनाएं उनकी जानकारी मिली जिससे उन्हें ये पता चलेगा कि आगे चल करके हमें जीवन में कभी कोई परेशानी पड़ती है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, किस तरीके से किसकी मदद लेनी चाहिए। हमारा एनजीओ चलाने का उद्देश्य, स्वयं सहायता चलाने का उद्देश्य यही होता है। स्वयं सहायता समूह होता है गांव के लिए तो वहां गांव की महिलाओं के लिए हम कार्य कर रहे हैं तो हम उनको भी बुला करके अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक महिला को ही आगे बढ़ाना चाहें। हमारा मानना है कि हमने आज 10 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बुलाया, अब वो 10 स्वयं सहायता समूह और स्वयं सहायता समूह महिलाओं को बोलेंगे जाके तो उनका भी मन होगा आगे निकलने का, पास आने का। और आजकल ये तो सब लोग जानते हैं कि उनकी भी चाहत होती है, बट क्या होता है कि हम महिलाओं की थोड़ी किस्मत ऐसी होती है कि हमें वहीं पे दबाया जाता है और बोला जाता है कि तुम्हारे लिए तो खाना बनाना चूल्हे चौका करना यही सारी चीज़ें ज़्यादा बेहतर है, बाहर जाकर क्या करोगे।
मगर आज खुशी मुझे पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए सामाजिक महिलाओं का सहयोग लिया जा रहा है, जिसके तहत शक्ति समिति का गठन किया गया है, जिसमें इन महिलाओं को जोड़ा गया है। इन महिलाओं द्वारा आशा से अधिक पुलिस का सहयोग किया जा रहा है और गांव-गांव में हो रहे अपराध, महिला हिंसा को रोकने में इनका सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये महिलाएं सामाजिक बंदिशों से ऊपर उठकर ये गांव-गांव जाकर इतना अच्छा कार्य कर रही हैं, इसलिए पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर आज महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान किया गया। शुरू हो गए हैं, क्षेत्र में अपराधों की संख्या में कमी आई है, महिलाएं जागरूक हो रही हैं, ऊर्जा डेस्क के प्रति उनमें विश्वसनीयता बढ़ रही है। तो हमारा प्रयास यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा डेस्क के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को सुविधा प्रदान कर सके और उनकी समस्याओं का